ऐसे कौन सा यूट्यूबर है जो दिन में तो करोड़ों के लग्जरी कार्स में घूमता है लेकिन रात में ये सिक्योरिटी का काम करता है? ये यूट्यूबर ऐसा कौन सा टेबल यूज करता है जिससे वो टेबल इस यूट्यूबर से भी ज्यादा फेमस हो गया है? ये कौन सा यूट्यूबर है मैं बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नंबर वन, इस यूट्यूबर ने एक छोटे से पार्किंग लॉट से शुरुआत की थी लेकिन आज इंडिया का सबसे बड़े टेक चैनल्स में से एक है जिनके व्यूज भी काफी अच्छे आ जाते हैं। इनके आज इतने कंपनीज हैं जिनके बारे में नॉर्मल इंसान कोई सपना भी नहीं देख सकता। इनका नाम है टेक बर्नर, जिनका रियल नेम श्लोक श्रीवास्तव है। उन्होंने 2014 से यूट्यूब पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया था जिसकी शुरुआत इन्होंने पार्किंग लॉट से की थी लेकिन धीरे धीरे अपने यूनिक और फनी स्टाइल की वजह से ये लोगों को इतना पसंद आए कि आज इनके एक नहीं काफी चैनल्स है और कुछ सीक्रेट चैनल्स भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। श्लोक का मेन चैनल तो टेक बर्नर ही है, उसके साथ साथ उनका एक बर्नर बिट्स और कई सारे सीक्रेट चैनल है जैसे हाउस ऑफ ग्रोथ। श्लोक इतने पर ही नहीं रुके बल्कि उनकी एक टीम है जो अलग अलग यूट्यूब चैनल बनाते रहते हैं जिससे श्लोक ही मेजॉरिटी ओन करते हैं। साथ ही उन्होंने इतने सारे सक्सेसफुल चैनल और कंटेंट क्रिएट कैसा किया ये सब डिटेल में उन्होंने सिखाया है। अपना एक बहुत ही डिफरेंट स्कूल भी उन्होंने लॉन्च किया था जिसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन इनके सबसे ज्यादा अर्निंग जिस चीज से होती है आप शायद नहीं जानते होंगे। टेक बर्नर की दो मेजर कंपनीज है ओवरलेज और लियर्स। ये फोन और लैपटॉप के लिए 3D स्किन्स बनाते हैं और ओवरलेज को उन्होंने एक बड़ा क्लोथिंग ब्रांड बनाया जबकि बाकी यूट्यूबर्स तो सिर्फ अपने मर्च तक सीमित रहते हैं। श्लोक ने उससे काफी आगे की सोची जिसमें वो सक्सेसफुल भी हुए। इन सब चीजों को ओन करने के बाद श्लोक के पास एक प्यारी सी BMW X5 है जो आपने उनकी वीडियोस में देखी होगी और कई लोग तो कहते हैं कि इनके टेबल तो उनसे ज्यादा फेमस है क्योंकि बिना टेबल मारे इनका वीडियो बनता ही नहीं क्योंकि इनकी आदत है कि ये टेबल पे मार मार के वीडियोस बनाते हैं। इनका यूनिक स्टाइल है और इसी के चलते लोग ये भी कहते हैं कि उनसे ज्यादा फेमस तो उनके टेबल्स है। नेमेटोड टेक्निकल गुरुजी। टाइम के साथ साथ ना चेंज होने की वजह से इनका चैनल काफी डाउन जाने लगा था लेकिन क्या आप जानते हो गौरव यूट्यूब के अलावा भी एक सिक्योरिटी कंपनी भी ओन करते हैं जो दुबई में काम करती है। इसलिए गुरुजी के पास कुछ ऐसी अमेजिंग और महंगी चीजें हैं जिसे देखकर दिल बाग बाग हो जाएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं उनकी कार्स की। उनके पास 7 कार्स हैं वो भी लग्जरी वाले, उसके बाद एक महिंद्रा थार भी है। 7 कार्स में से सबसे फेमस कार्स हैं पोर्शे पैनामरा, रोल्स रॉयस घोस्ट और मैक्लारेन GT जैसे कार्स इनके पास हैं जिनकी कीमत 13 करोड़ के अप्रोक्स है। इन सबके साथ दुबई में टेक्निकल गुरुजी एक लग्जरी घर भी ओन करते हैं जिसका उन्होंने आज तक होम टूर भी नहीं दिया लेकिन उनके घर को कुछ क्लिप्स में देखा जा सकता है। इस सबके बाद जो सबसे ज्यादा अटेंशन अपनी तरफ खींचता है वो चीज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है जो टेक्निकल गुरुजी के पास है और वो है उनका आईफोन स्पेस एडिशन जिसे देखकर लगता है इसे एलियंस ने ही बनाया है क्योंकि इस फोन को पूरी तरह टाइटेनियम से बनाया गया है जिसमें से एक मार्स और एक मून से भी है और इस आईफोन में 6 मीटर हैं। साथ ही इस फोन के पीछे एक मैकेनिकल टर्बो वॉच भी है जो इस फोन को अलग ही लुक देती है। इसके बैक में TG का लोगो भी है और साइड में गौरव चौधरी भी लिखा हुआ है जो बताता है कि ये पूरी दुनिया में एक लौता ऐसा फोन है। नंबर 3 एलविश यादव। एलविश ने अपनी शुरुआत यूट्यूब और फनी वीडियोस बनाने से की थी लेकिन एक्चुअल फेम तो इन्हें बिग बॉस जीतने के बाद मिला। एलविश यादव सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है बल्कि वो सिस्टम क्लोटिंग के साथ रेस्टोरेंट भी ओन करते हैं जिसकी वजह से वो इंडिया के अमीर यूट्यूबर्स की लिस्ट में आते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी कार कलेक्शन में काफी तगड़ी सुपर कार्स को ऐड कर रखा है जैसे पोर्शे, मर्सिडीज और हाल ही में उन्होंने G-Wagon भी ली है। लेकिन ये सब तो छोटी चीज है क्योंकि इन्होंने बिग बॉस जीतने के बाद दुबई में 8 करोड़ का फ्लैट भी लिया था, तो सच में अमेजिंग है। नंबर 4 सौरभ जोशी। इनके चैनल पर बहुत तेजी से सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और इनके व्यूज इतने ज्यादा आते हैं कि लगभग सारे ही वीडियो ट्रेंडिंग में जाते हैं। बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं होगा कि सौरभ जोशी को स्पॉन्सर क्यों नहीं मिलते। असल में सौरभ जोशी की सारी ऑडियंस बच्चे हैं और एड्स उनके पेरेंट्स को ज्यादा एड्स दिखाना पसंद करते हैं ना कि उनके बच्चों को, इसलिए सौरभ जोशी को स्पॉन्सर नहीं मिलते। इसके बाद भी वो कई म्यूजिक वीडियोस में नजर आए हैं जिसके उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते होंगे, इसलिए सौरभ जोशी के पास बहुत ही अमेजिंग चीज है। सबसे पहले बात करते हैं उनकी कार्स की, तो उनके पास अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने के लिए एक टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, थार और फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी कार्स हैं जिन्हें वो मोस्टली फैमिली के साथ जाने पर यूज करते हैं। लेकिन इनकी सबसे महंगी कार है पोर्शे बॉक्सस्टर जिसकी कीमत 1.5 करोड़ है। नंबर 5 मिथपैट। मिथपैट इंडिया के सबसे फेमस यूट्यूबर्स में से एक है और शायद बहुत लंबे भी, लेकिन सिर्फ यही इनकी अर्निंग का सोर्स नहीं है बल्कि इनके 2 और चैनल है मिथ नाम से और दूसरा एक सीक्रेट चैनल है जिसका उन्होंने कोई प्रमोशन भी नहीं किया था, फिर भी उस चैनल पर उनके फेस की वजह से बहुत जल्दी मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। उस चैनल पर ये फनी टेक रिव्यू अपलोड करते थे। इनके पास ऐसी तो कोई सुपर कार नहीं है जैसे बाकी फेमस यूट्यूबर्स के पास है लेकिन इनके पास बहुत ही अलग चीजों का कलेक्शन है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। एक बार सौरभ जोशी मिथपैट के घर गए थे तब मिथपैट ने अपना सारा टॉय कलेक्शन सौरभ जोशी को डिटेल में दिखाया जिसमें सबसे पहले एक आयरन मैन का फुल टॉय था, उसके बाद एक आयरन मैन का ही वॉकिंग हेलमेट था जो वॉइस कमांड से
से ओपन क्लोज हो जाता है, जिसे मिथपैट ने अपने वीडियोस में यूज किया है। इसके बाद इनके पास एक बहुत ही रियलिस्टिक जोकर का स्टैचू है, जिसे देखकर सौरव भी चौंक गए थे। लेकिन फिर बॉक्स से निकलकर मिथपैट कुछ बहुत ही अमेजिंग दिखाते हैं। मिथपैट एक गोल्डन बॉक्स ओपन करते हैं, जिसमें होता है एक गोल्डन आयरन मैन, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद मिथपैट उनको एक सीक्रेट चीज दिखाते हैं, जिसे आप जिंदा भी कह सकते हो। उनके पास था एक ऑप्टिमस प्राइम का ट्रक, जो कुछ बोल के एक रोबोट में बदल जाता है, जो दिखने में बहुत सैटिस्फाइंग लगता है। नेमेसिस टोटल गेमिंग इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग चैनल है टोटल गेमिंग, जिन्हें अज्जू भाई के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भी शायद लग्जरी कार्स का शौक नहीं है, इसलिए इन्होंने आज तक कोई भी कार नहीं लिया। लेकिन जितने की कार्स आते हैं उतना तो इनका सिर्फ गेमिंग सेटअप है, जिसकी कीमत है 25 से 30 लाख, जिसमें दो बड़े मॉनिटर और एक पावरफुल सीपीयू है, जिसकी जरूरत हर गेमर को होती है। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। हाल ही में इन्होंने एक जूते की शेप में पीसी बिल्ड करवाया था, जो देखने में बहुत ही यूनिक था, और ये देखकर लगा कि अज्जू को शूज का बहुत शौक होगा। लेकिन जैसे ही ये सीपीयू है, वैसे ही गजब के इसके स्पेक्स भी हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसके अंदर दिमाग मतलब इसका प्रोसेसर 1914th gen का है, जो सच में टॉप ऑफ द लाइन है। साथ में अगर ग्राफिक कार्ड ना होता तो गेमिंग पीसी कैसा, इसलिए इसमें बेस्ट जीपीयू लगाया गया है 4080 सुपर का। साथ ही इसमें 6TB की SSD लगी हुई है, जो हवा से भी तेज डेटा ट्रांसफर करेगी। भाई ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अगर आपका लाइट बल्ब ऐसा करने लगे तो तुरंत भाग जाना, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। और अगर आपके घर के सामने कोई प्लांट हो तो उसे तुरंत निकाल देना। आप बोलोगे ये क्या, लेकिन इसका रीजन जानकर आप पे शॉक हो जाओगे। इसका रीजन इस वीडियो में मौजूद है, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो यार, क्योंकि ये वीडियो बहुत मजेदार है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।